हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। आई एम कुमार मधुकर और आप देख रहे हैं KM लर्निंग चैनल। इस चैनल के अंतर्गत बिहार माई ड्रीम एक प्लेलिस्ट मैंने बनाया है, जो कि आप लोगों को विजिबल है। आप लोगों ने देखा भी है कि बिहार के ज्योग्राफी से रिलेटेड भी मैंने अपलोड किया था। अब मैं इसके अंतर्गत कुछ सर्टेन हिस्ट्री का लेसन अपलोड करने वाला हूँ और आने वाले वीडियोज़ में अराउंड 25 to 30 वीडियोज़ हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे। सो स्टे ट्यून टू KM लर्निंग चैनल। और इस हाँ एक चीज़ और, इस हिस्ट्री में जो भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट रहेगा वो इंडियन हिस्ट्री एज वेल एज बिहार हिस्ट्री दोनों से ही रिलेटेड होगा। सो आप देखते रहिएगा, A to Z सारे वीडियोस को कंसंट्रेशन के साथ देखिए और अपना उसे नोट्स के तौर पे भी बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिहार माई ड्रीम प्लेलिस्ट के अंतर्गत हिस्ट्री का ये पहला लेसन। 1857 रिवोल्ट, जो कि पूरे इंडिया में हमारे कंट्री के लिए ये पहला रिवोल्ट के तौर पर माना जाता है। इसे सिपाही रिवोल्ट के तौर पर भी माना जाता है, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन भी कहा जाता है। करेक्ट। 1857 का रिवोल्ट जो है, एक कह सकते हैं कि काफ़ी लंबे समय का पेंट अप फीलिंग का आउटपुट था, जो कॉलोनियल पीरियड के दरमियान या अंग्रेजों के द्वारा जो हमारे ऊपर किया जा रहा था अत्याचार या दुर्व्यवहार, उसी का ये आउटकम था 1857। लेकिन 1857 का जो रिवोल्ट था वो बहुत ही सीमित दायरे में था, सीमित लोगों के लिए सीमित एरिया में था। ये पहला आंदोलन होने के कारण ये ऑर्गेनाइज्ड भी नहीं था और इसमें जो पार्टिसिपेंट के तौर पे थे, जो शामिल हुए थे, ज़्यादातर वो राजा महाराजा थे जिन्हें अंग्रेज़ों से बेदखली का सामना करना पड़ा या अंग्रेज़ों ने उन्हें बेदखल कर दिया था उनके राज अधिकार से। करेक्ट। या वैसे सैनिक या सिपाही थे जिनके साथ में अत्याचार किया गया है। करेक्ट। तो बेसिकली अगर आप देखेंगे तो जिनका अधिकार छीना गया या जिनके साथ धार्मिक विद्रोह किया गया, धार्मिक असहिष्णुता जिसको बोलते हैं, इंटॉलरेंस को ट्रीट किया गया उसके साथ में। सो अगर आप देखेंगे तो 1857 रिवोल्ट सबसे पहले 19th नेटिव इन्फेंट्री जो बहरामपुर का था, उसने नया इनफील्ड राइफल को डिसबैंड करने का प्लान किया, मतलब नॉट यूज करने का, मतलब नॉट टू यूज। सो फर्स्ट 19 नेटिव इन्फेंट्री बहराम का जो था, उसने डिसाइड किया कि जो इनफील्ड राइफल है उसे हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कहा जा रहा था कि इनफील्ड राइफल के जब गोली लोड करते हैं तो उसके गोली को जब लोड करने से पहले उसे दांत से उसे कुछ तोड़ना या निकालना पड़ता था, और कहा जाता था कि वो जो मटेरियल बना होता था जो हम लोग मुँह में लेते थे उस वक्त, वो था सुअर और गाय के चर्बी या चमड़े का बना हुआ होता था। तो इसलिए ये धार्मिक असहिष्णुता कह सकते हैं, असहिष्णुता नहीं कहेंगे तो अगर कह सकते हैं कि किसी के धर्म का भ्रष्टाचार हो जाना है ना। सो एनफील्ड राइफल का इस्तेमाल ना करने का डिसीजन लिया गया 19 नेटिव इन्फेंट्री के द्वारा, जो कि डिसबैंड कर दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, मैं उन सारे कारण और रीजंस को यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। फिर 34th नेटिव इन्फेंट्री जो मंगल पांडे के लेड में लीडरशिप में ये अपना आंदोलन आगे बढ़ाया और उसने अपने मेजर सार्जेंट मेजर को के ऊपर गोली चला दिया था, जिसके कारण अंग्रेज़ों ने अगेन 34th नेटिव इन्फेंट्री को डिसबैंड कर दिया गया, इसे रद्द कर दिया। करेक्ट। तीसरा है 7th अवध जिसको बोलते हैं अवध। सो 7th अवध रेजिमेंट, इसने भी इस आंदोलन में अपना पार्टिसिपेशन दिखाया, अपना विद्रोह, उग्र विद्रोह दिखाया, जिसके कारण अंग्रेजों ने इसे भी रद्द कर दिया। चलिए, आंदोलन 1857 जो 11th मई 1857 को शुरू हुआ, इसमें सिपाही का आंदोलन से शुरुआत हुआ, सिपाहियों के द्वारा किया गया आंदोलन ही इस आंदोलन का पहली शुरुआत थी। बाद में भले ही अलग अलग लोगों का इसमें आगमन हुआ, लोग मिले और इस आंदोलन को और भी दूर तक पहुँचाए। सो मेरठ से एक सेना, सैनिकों की छावनी से एक सेना मंगल पांडे के नेतृत्व में, ठीक है, मंगल पांडे नेतृत्व नहीं, सॉरी, मंगल पांडे तो वहाँ पे हैं, मतलब एक मेरठ का एक सैनिक, राइट, पूरे अपने जोशो खरोस के साथ में दिल्ली की ओर मूव कर गया, क्योंकि उस वक्त दिल्ली एक प्राइम सेंटर एंड क्या बोलते हैं इसको, शासन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर हुआ करता था मुगल पीरियड में। सो अभी भी बहादुर शाह द्वितीय का वहाँ पे रहना हो रहा था। अंग्रेज़ों ने उन्हें हालांकि कठपुतली बना दिया था, फिर भी लोगों के दिमाग में आज भी इस बात का विश्वास था कि अगर बहादुर शाह द्वितीय इस
विद्रोह का लीडरशिप लेते हैं तो शायद ये विद्रोह और भी उभर कर आएगा और लोगों में एक विश्वास पैदा करेगा। सो मेरठ से सेना का एक ग्रुप जो है जमुना पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचा और वहां पे जद्दोजहद करने के बाद बहादुर शाह द्वितीय को फाइनली उन्होंने अपना लीडरशिप सौंप दिया। मतलब पहले बहादुर शाह आनाकानी कर रहे थे, वो तैयार नहीं हो रहे थे अंग्रेज़ों के डर से, तो उन्हें लग रहा था कि भाई अंग्रेज़ों के सामना कैसे करेंगे, हमारे पास तो अब वो शक्ति रही नहीं। फिर भी सैनिकों के साहस को देखते हुए, सैनिकों के उत्साह को देखते हुए बहादुर शाह द्वितीय जो है इसका बागडोर संभाल लिए और उन्होंने आपको पता ही है कि शहंशाह हिंदुस्तान डिक्लेयर किया, करेक्ट। अब जैसे ही डिक्लेयर हुआ तो आपको पता ही है कि अगर बहादुर शाह जो ऑलरेडी उनके वंशज लोग पूरे इंडिया पर मुगल पीरियड के दरमियान शासन कर चुके थे, तो ऐसे में अगर उन्हीं के परिवार का कोई शासक बने तो लोगों में और भी जोश खरोश भर जाता है, चलो एक लीडरशिप तो आ गया है, राइट। तो बहादुर शाह द्वितीय जिन्होंने अपना टाइटल लिया शहंशाह हिंदुस्तान, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाए पूरा का पूरा पूरे नॉर्थ इंडिया में, करेक्ट। अब क्या हुआ है कि इसका असर ये हुआ कि जितने भी छोटे छोटे राजा थे, जमींदार थे, जिनका ज़मीन छीन लिया गया, जिनका अधिकार छीन लिया गया था, जिन्हें कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा था, मतलब इनकम नहीं दिया जा रहा था, हर तरह से उन्हें बेघर कर दिया गया या एकदम सीमित लिमिटेड पेंशन के ऊपर रखा गया, वो सारे के सारे जो हैं एकजुट होना शुरू कर दिए और अपने अपने जगह से विद्रोह करना शुरू कर दिए। अब इसी में अलग अलग एरिया से अलग अलग आंदोलन का आह्वान हुआ, करेक्ट। ये आह्वान में आप देखेंगे कि खास करके ये 1857 का रिवोल्ट जो है ज़्यादातर पूरा का पूरा नॉर्थ इंडिया में ही एक्सपैंडेड था, राइट। सो दिल्ली से इस मूवमेंट को लीड करने के लिए बहादुर शाह द्वितीय तो थे ही, प्लस में बख्त खां साथ हो लिए। तो कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है पीटी में, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह से इंग्लिश ऑफिसर जो इस आंदोलन को कंट्रोल कर रहा था, कंट्रोल भी किया, वो उसमें था निकोलसन एंड हडसन, दोनों का नाम आता है, करेक्ट। जो एसोसिएटेड लीडर्स एंड अंग्रेज ऑफिसर था उसका नाम बता रहा हूँ। तो ये पहला सिटी था जिस जहाँ से आंदोलन की शुरुआत थी और जहाँ का कंट्रोल इमिडिएटली अंग्रेज़ों ने ले भी लिया, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, दूसरा है कानपुर। कानपुर के आंदोलन को लीड करने में योगदान रहा नाना साहेब और तात्या टोपे, और इस आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए, सप्रेस करने के लिए अंग्रेज ऑफिसर में कैम्बेल का नाम आता है, करेक्ट। उसके बाद लखनऊ, लखनऊ में बेगम हजरत महल ने इस मूवमेंट को लीड किया, किनके नाम पे भाई, तो विरजिस कादिर उनका बेटा था, उसे अपना अधिकार दिलाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बेगम हजरत महल जो है इस मूवमेंट को लीड किया और लखनऊ को भी सप्रेस करने वाला इंग्लिश ऑफिसर था कैंप बे। अब आते हैं झांसी, झांसी की रानी आप लोग सुने ही हैं, तो रानी लक्ष्मीबाई झांसी से मूवमेंट को लीड किए 1857 का, और इन्हें हराने वाला या वो ऑफिसर जो झांसी के आंदोलन को कंट्रोल किया वो जनरल ह्यूग रोज था, ध्यान रखिएगा ह्यूग रोज। और इसने एक स्टेटमेंट दिया था रानी झांसी के बारे में कि हेयर द ले वुमेन हेयर ले द वुमेन हु वॉज द ओनली मैन अमोंग द रिवेल्स, करेक्ट। तो जनरल ह्यूग रोज था, उसने एक स्टेटमेंट दिया था जब रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हुई, जो ज़मीन पर पड़ी हुई थी, तब इसने स्टेटमेंट दिया कि यही एकमात्र दुश्मनों में एकमात्र क्या बोलते हैं उसको मर्दाना था जिसने अंग्रेजों के साथ जमकर और पूरे साहस के साथ में लड़ाई किया था, एकमात्र मतलब विद्रोहियों में एकमात्र मर्द रानी लक्ष्मीबाई थी। ये स्टेटमेंट पूछा भी जाता है तो किसने कहा है, जनरल ह्यूग रोज ने। रानी डाइड ऑन 17 जून 1858 को, ध्यान रखिएगा। इलाहाबाद से 1857 के मूवमेंट को लीड करने का जो इम्पोर्टेंस जाता है वो है लियाकत अली, जिनके आंदोलन को फाइनली जो है इंग्लिश ऑफिसर कर्नल नील ने सप्रेस किया। फिर बरेली में खान बहादुर खां का नाम आता है, अंग्रेज़ का नाम नहीं पता, करेक्ट, क्योंकि इलाहाबाद बरेली में शायद कर्नल नील ही, और बाद में आपको पता ही होगा कि ये क्या नाम है उनका, जो चलिए नाम याद आएगा तो बताऊंगा। फिर जगदीशपुर है ना, जगदीशपुर के मूवमेंट मतलब बिहार से 1857 के मूवमेंट को लीड करने वाला कुंवर सिंह, ये भी एक जमींदार थे राजपाट चलाने वाले, ठीक है, इनके साथ में अमर सिंह भी उनके भाई थे, और यहाँ के मूवमेंट को सप्रेस करने वाला, कंट्रोल करने वाला विलियम टेलर का नाम आता है और विंस्टन आयर का नाम आता है।
फिर फैजाबाद से लीड करने वाले मौलवी अहमदुल्ला का नाम आता है, फिर फतेहपुर से लीड करने वाले अजीमुल्ला का नाम आता है। तो अगर आप देखेंगे तो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये श्योर है कि इन सारे पॉइंट से आपको किसी न किसी तरह से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलिए अब आते हैं 1857 के मूवमेंट को, जगदीशपुर से जो कुंवर सिंह लीड किए उसमें अमर सिंह भी साथ में थे। अब यहाँ पर देखिएगा बिहार के स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बिहार में ये आंदोलन जो है यहाँ पे हुआ, ठीक है, उसके बाद सारण में, फिर पटना में, नालंदा में, भागलपुर में, गया में, औरंगाबाद होते हुए कैमूर में, भोजपुर में, ये सारे ऐसे सेंटर जहाँ से अलग अलग लोगों के द्वारा इस मूवमेंट को लीड किया गया और मूवमेंट को बढ़ावा दिया गया, करेक्ट। अब यहाँ पे देखिएगा कुंवर सिंह के अलावा तो अब नाम अमर सिंह का भी नाम आता है, बाकी लोगों का नाम आप लोगों ने पढ़ा भी नहीं होगा, लिखा भी नहीं रहता ज़्यादातर बुक में, बट कुछ ऐसे इंसिडेंट है जो मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। देखिए सबसे पहले तो आप अब देखिएगा यहाँ से मूवमेंट शुरू हुआ और यहाँ से चंपारण और मुजफ्फरपुर में, यहाँ पे भी रेजिमेंट्स के थ्रू ही ये आंदोलन शुरू हुआ, सैनिकों के द्वारा हुआ और उसे डिसबैंड भी किया गया और कंट्रोल भी कर लिया गया। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट घटना है भागलपुर, भागलपुर में कुछ लोगों ने इस आंदोलन को लीड किया, मूवमेंट शुरुआत किया और मूवमेंट को सफलता की ओर ले जाते हुए ये सब के सब इस तरह से अपने बहुत सारे लोगों को जमा करते हुए फाइनली गया पहुँचते हैं और गया में वहाँ के अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ाते हुए वहाँ के जेल से करीब 400 या 400 अधिक कैदियों को रिहाई दिलाते हैं, मतलब 400 से ज़्यादा लोगों को रिहाई दिया जाता है ज़बरदस्ती ताला तोड़कर कैदी के रूप में जो थे। और उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, उनमें से ये कुछ लोग जो हैं इस आंदोलन में शामिल हो गए, कुछ लोग अपने अपने घर चले गए और यहाँ से जो लोग जमा हुए वे फिर आगे औरंगाबाद होते हुए दो डायरेक्शन में बढ़ गए, एक कैमूर की तरफ एक भोजपुर की तरफ। कैमूर की तरफ अमर सिंह के कंट्रोल में चले गए और भोजपुर की तरफ कुंवर सिंह के कंट्रोल में चले गए। फाइनली कैमूर से भी अमर सिंह का जो नेतृत्व था उनका दल जो है फाइनली भोजपुर पहुंच गया, क्योंकि कुंवर सिंह को फाइनल लीडरशिप देना था और हम सब जानते थे कि कुंवर सिंह जो है अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर, अच्छे रूलर के तौर पर काम कर सकते थे, करेक्ट। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो बिहार में इस पूरे आंदोलन को लीड करने में दो ही आदमी का नाम आता है मेजरली, कुंवर सिंह और अमर सिंह, करेक्ट। चलिए अब यहाँ पे देखिए बिहार की बात करें रिवोल्ट, तो जब बिहार झारखंड एक साथ था तो उसका पहला आंदोलन जो था देवघर डिस्ट्रिक्ट में रोहनी विले से शुरू हुआ था 12 जून 1857 को। चूंकि अब झारखंड हमारे बिहार के पार्ट नहीं है, राइट, मॉडर्न बिहार में नहीं है, सो पहला आंदोलन 3 जुलाई 1857 को पटना में पीर अली के द्वारा किया गया, जो कि एक पुस्तक विक्रेता थे, बुक सेलर के तौर पर इन्होंने अपना आंदोलन लीड किया और बिहटा दानापुर की ओर बहुत सारे लोगों के साथ में ये मूव करते चले गए। वहाँ पे पटना कमिश्नर उस वक्त जो था टेलर था, मिस्टर टेलर, उसने न केवल इस आंदोलन को कंट्रोल किया बल्कि बहुत सारे लीडर को अरेस्ट भी किया। आपको याद होगा पीर अली को भी अरेस्ट किया, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, विजय हक, इन सब को अरेस्ट किया टेलर ने, करेक्ट। और इन्हें अलग अलग बहाना से किसी न किसी तरह से ताकि कि वो 1857 को मूवमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन ना दे सके। तो इन लोगों को, मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, विजय हक को बहावी आंदोलन को बढ़ावा देने के पॉइंट ऑफ व्यू से इनको अरेस्ट किया था, 1857 के लिए नहीं किया था, भावी आंदोलन ऑलरेडी चल रहा था, बिहार में भी चला था, यूपी में भी चला था, है ना। उसी दरमियान जो है एक वारिस अली, एक पुलिस पर्सनल थे बिहार के जो पुलिस में वर्किंग थे, उन्हें भी अरेस्ट करके उन्हें कैपिटल पनिशमेंट, सजाए मौत की सजा दी गई, ठीक है ना, सजाए मौत का अनाउंसमेंट किया गया, कैपिटल पनिशमेंट दिया गया, क्यों भाई, तो भाई तुम देशद्रोही हो ये कह के। फिर 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में दूसरा इम्पॉर्टेंट घटना हुआ, जिसमें बहुत सारे सैनिक जो कि अंग्रेज़ों से जैसे मेरठ में या अलग अलग रेजिमेंट में खपा थे, वैसे ही खपा थे, उन्होंने अपने इस डिसअपॉइंटमेंट या पेंट अप फीलिंग्स को विद्रोह के तौर पर जताया, करेक्ट। और वहाँ पर 7वां, 8वां और 40वां ऐसा रेजिमेंट था दानापुर का जिसने कि इस आंदोलन को भी आगे बढ़ाया। तो मतलब क्या हुआ, मुजफ्फरपुर में सैनिकों का आंदोलन 25 जुलाई 1857 को हुआ, उन्हें भी डिसबैंड कर दिया गया, फिर दानापुर में 7वीं, 8वीं और 40वीं रेजिमेंट वालों ने विद्रोह किया, इसे भी कंट्रोल करके इन्हें क्या हुआ, डिसबैंड कर दिया गया। यहीं से सैनिक जो बच गए, जो निकल पड़े वहाँ से, वो फाइनली कहाँ हो गया, जगदीशपुर पहुँच गए, जिस तरह से गया से लोगों ने पहुँच लोगों का आगमन हुआ उसी तरह से दानापुर से भी लोग जगदीशपुर पहुंच गए और अपना लीडरशिप जो है कुंवर सिंह को प्रदान कर दिए, ठीक है। तो इस तरह से देखेंगे 1857 का जो था
ये आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अलग अलग एरिया में भी। अगर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे तब इन सारी घटनाओं को आपको लिखना पड़ेगा। उसी तरह से भागलपुर का घटना जो बताया, भागलपुर में बहुत सारे लोगों ने इस विद्रोह का साथ दिया और विद्रोह को आगे भी ले चले और वही आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए, लोगों को जगाते हुए, लोगों को लेते हुए फाइनली गया पहुँचे, जहाँ गया में जेल से 400 लोगों को, लगभग 400 या 400 अधिक लोगों को जेल से ज़बरदस्ती रिहा किया और फिर वो कैमूर और भोजपुर की ओर मूव कर गए। करेक्ट। सो फाइनली यही चीज़ है, यही आंदोलन है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। कुंवर सिंह इस मूवमेंट को न केवल लीड किया बल्कि एक अच्छा योगदान भी दिया, काफ़ी हद तक सफल भी रखे और इन्होंने जो जो आंदोलन के दरमियान जो जो भी युद्ध लड़ा उन सब युद्ध में ये विजयी ही रहे थे। और ये अपना युद्ध न केवल बिहार के हाजीपुर वाले क्या बोलते हैं भोजपुर वाले रीजन तक रखे बल्कि यूपी में भी बहुत जगह पे लड़ाई की, आजमगढ़, बलिया, इन सब पे, और सब जगह वो विजयी हुए। वहाँ पे आजमगढ़ में देखिए नाना साहब के सपोर्ट में थे, ठीक है, और जहाँ तक आजमगढ़ बलिया तक पहुँच गए और जीतते गए, ये भी ध्यान रखिएगा। फिर उधर से जब लौट रहे थे तब उन्हें इंग्लिश सोल्जर का फिर से सामना करना पड़ा और उसका जो सोल्जर था, वो सोल्जर का जो हेड था वो कैप्टन ली था। तो कैप्टन ली के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का फिर से सामना करना पड़ा कुंवर सिंह से, जहाँ पे कुंवर सिंह को अनफॉर्चुनेटली कहिए या बैडली बैड लक कहिए, उन्हें एक गोली उनके हाथ में लग गया। ठीक है, कहा जाता है कि जब वो नदी पार कर रहे थे उस गोली लगे हुए गोली से, क्या बोलते हैं उसको, सेंटेंस भूल जाता हूँ, इंजर्ड हैंड कह सकते हैं, ठीक है, वो जब पार कर रहे थे तो उन्होंने उस गोली का जहर पूरे शरीर में ना फैल जाए इसके कारण उन्होंने अपना हाथ वही काट कर नदी में बहा दिया। करेक्ट, नदी में दान कर दिया, ये भी कहा जाता है। सो इसी इंजुरी के कारण उनका 25 जुलाई और ये जो युद्ध हुआ था 23 अप्रैल को हुआ था, है ना, 23 अप्रैल 1858 को हुआ था और ठीक दो दिन बाद 25 अप्रैल मतलब 25 को 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। तो इस तरह से देखेंगे कि 1857 का मूवमेंट इंडिया लेवल पे और बिहार लेवल पे दोनों ही घटनाओं को मैंने हाईलाइट किया है। आई होप कि आप लोग इसे इंजॉय करेंगे और इसे याद भी रखिएगा, इसे नोट के तौर पे जॉट डाउन कर लीजिएगा क्लास के दरमियान इस वीडियो को देखते हुए, ओके। और लास्टली एक चीज़ और आप लोगों को बता दूँ कि गाइस मेरा हिस्ट्री का क्रैश कोर्स चालू हो गया है। अगर आप पूरा फुल फ्लेज हिस्ट्री का कोर्स करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए वीडियो को देखिए जो ऑलरेडी अपलोडेड है, उसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक है जिसके थ्रू आप रजिस्टर कर सकते हैं, इनरोल कर सकते हैं, ओके गाइस। और वी डिजर्व टेलीग्राम मेरा है जिससे कि आप जुड़े रहिए ताकि आप लोग वहाँ पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डेली रेगुलर बेसिस पे सॉल्व कर सके। थैंक यू।